जिस भी जाति का लोग जो पढ़ेगा वो राज करेगा, लेकिन हमारे लोगों के हाथ में झाड़ू ये षड्यंत्र है। मंदिरों में घंटे बजते हैं, पूजा पाठ होती है, इतने तो हमारे लोग रोड पे सफाई कर देते हैं, जब भी तो वो चीजें बाद में होती हैं। इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत का फल दे दो बस, और क्या मांग रहे हैं भाई। दो वक्त की रोटी की तो लड़ाई है सारी। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया, और इस समय मेरे साथ एक बहुत ही खास शख्सियत मौजूद हैं। आप हैं सुनकाल वाल्मीकि जी, बड़ा नाम है, और गुरुग्राम ही नहीं पूरे हरियाणा और पूरे देश में वाल्मीकि कम्युनिटी का शेर इनको कहते हैं, और कोई दो राय नहीं है। गुरुग्राम हो चाहे हरियाणा हो या दिल्ली के आसपास के जितने भी राज्य हैं, सभी में सुल्तान वाल्मीकि को सभी लोग जानते हैं, और उनके सोशल वर्क के लिए, क्योंकि वो लगातार वाल्मीकि कम्युनिटी के लिए काम करते हैं। सिर्फ वाल्मीकि कम्युनिटी को पार्टी पे रखते हैं वो, लेकिन और जो जातियां हैं उनके लिए भी काम करते हैं। आइए जानते हैं, क्या कहेंगे सर, जिस जाति से आप बिलोंग करते हैं आज वो जाति कहीं ना कहीं इस देश में हाशिए पर है, और लगातार उसका जो है शोषण हो रहा है हर मायने में, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए आप? मैं सुल्तान वाल्मीकि, प्रधान वाल्मीकि धर्म समाज, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो वाल्मीकि समाज सदियों से जो मेहनती कौम रही है, और मेहनत करते ही मेहनत कर लोग आए हैं। अभी कोरोना काल में डॉक्टरों की तरह आपने काम किया, इन्होंने ना बीमारी को देखा, ना कुछ, ना परिवार, ना घर, तो मेहनत का श्लोक है। और इनको जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, जो पढ़ चुके हैं, पढ़ लिखे हैं, जो आगे बढ़ चुके हैं, उन्होंने इनका साथ नहीं दिया और इनको पढ़ाई का मौका नहीं मिला। अब जो सुबह 6 बजे सफाई करने चले जाएंगे, वो अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएंगे और कैसे पढ़ाएंगे, क्योंकि स्कूल ही 7 बजे खुलता, 6 बजे इनके माता पिता सफाई के रोड पर करने चले जाते हैं, तो ये कहाँ पढ़ा पाएंगे? तो जो पढ़ेगा नहीं वो राज कैसे करेगा? जो कलम एक बहुत बड़ी, सबसे बड़ी ताकत कलम है, और पढ़ाई तो वो है जिसने दूध है तो जितना पियोगे उतना डालोगे, तो जितना आप जितना पढ़ोगे उतना ही राज करोगे जो भी हो। इसमें कोई जाति विशेष का नाम नहीं, जिस भी जाति का लोग जो पढ़ेगा वो राज करेगा, ठीक है ना। अब ये अंबेडकर को मानने वाले लोग, क्योंकि अंबेडकर बाबा साहब वाल्मीकि हैं, बॉम्बे मेहतर, एक मेहतर जो जात होती है हमारे वाल्मीकि में ही होती है, वो उन जाति से ले, हम वाल्मीकि हम पढ़ लिखे नहीं सके इसलिए नॉलेज ज्ञान से दूर रहे, लेकिन धीरे 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 अब लोगों में ज्ञानता आ रही है, क्योंकि पढ़ाई जो करेंगे तो फिर ज्ञान आएगा, ज्ञान आएगा तो फिर समझ आएगी, समझ से ही सारी चीज़ें। तो आप बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं कि जो एजुकेशन का जो लेवल है आपका, जो एजुकेशन जो है समाज को नहीं मिल पाई, या वो तमाम लोग जिनके ऊपर जिम्मेवारी थी, इस समाज को एजुकेशन देने की, उन लोगों ने साथ नहीं दिया, आप यही कहना चाहते हैं? मैं यही कहूँगा, जो आज भी और पहले भी बाबा साहब का नाम लेके अपनी अपनी दुकानें खोले हुए हैं, राजनीति कर रहे हैं, समाज को भयभीत कर रहे हैं, उनके लोगों से तो नुकसान हुआ ही है समाज को। और ये चीज़ें हैं, अगर हम छोटा भाई हमारा गलत है या कोई परेशानी में है तो उसकी मदद करना हमारा फर्ज बनता है, दायित्व बनता हमारा, लेकिन हम उसकी तरफ देख के ही ना ध्यान ही ना दें, मदद ही नहीं करें, तो वो तो फिर लाचार हो ही जाएगा ना। और भगवान परमात्मा वाल्मीकि भगवान ने जी कलम, जिसे लवकुश को भी शिक्षा का ज्ञान वाल्मीकि जी ने ही दिया है, जो सीता माता के 2 पुत्र हुए लवकुश, उनको ज्ञान देने वाले परमात्मा वाल्मीकि जी हैं। जो कलम तो शुरू से परमात्मा के हाथ में, फिर बाबा साहब भीमराव ने संविधान लिखा, तो ये चीज़ें तो हैं, लेकिन हमारे लोगों के हाथ में झाड़ू ये षड्यंत्र है, ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है कि जो इसको किसको मानते हैं क्षत्रिय, देखो जो जो कहते हैं ना भाई मार्शल कौम क्षत्रिय कौम बताते हैं, ठीक है, कभी भी कहीं अगर आपत्ति हुई है, हिंदू मुस्लिम हुआ या कहीं कोई भी, तो ये एक ऐसे लोग हैं, सबसे पहले हिंदू कौम को बचाने वाला वाल्मीकि है, क्योंकि उन्होंने एक मजबूरी के अंदर मुगल काल में सूर पाले तो मुस्लिम इनसे, सूरों से बहुत वो करते हैं, तो इनके घरों पे फिर वो आना पसंद नहीं, तो
लड़की जो पहले उठा के ले जाए करते पता है सारी चीजें, तो ये बोलना तो ठीक नहीं है। बाकी बहुत ज्यादा पीड़ा इन्होंने सही है, जब पीड़ा जिसने सही है तो वो मेहनत तो करी होगी उन्होंने। इन्होंने एक समय पे हिंदू सबसे जो बड़ा हिंदू है तो हम हैं, हिंदू हिंदू को जगाने वाले, हिंदू को बचाने वाले हम हैं। हम परमपिता परमात्मा वाल्मीकि जी की संतान है, राम जी को सीता मैया को रखा, बच्चों को पढ़ाया, तो ज्ञान तो यहाँ से है सारी चीज़ें। और राम 10,000 साल पहले जब रामायण लिख दी, 10,000 साल पहले, राम से भी पहले रामायण लिखी है, तो ये तो स्वयं भगवान है। हम हिंदू हैं हम ये मानते हैं। लेकिन जब ये बातें आती है हिंदू मुस्लिम की या बाबा साहब की, तो ये सारा सिस्टम फिर डगमगा जाता है। तो फिर ये क्या हुआ, ये षड्यंत्र हुआ। अगर कहीं मारकाट मस्ती है कहीं कोई, तो वाल्मीकि कौम को याद किया जाता, कहीं भी देख लो आप दंगे होंगे तो कहाँ किसको याद किया जाए, ये आपको हमारे से ज्यादा पता है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री भी हैं, वो भी पैर धो रहे हैं आप लोगों के, लेकिन आपके लोगों के जो तनख्वाह है, तमाम वेतन है, वो आज भी रुके पड़े हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अगर शिक्षा के मामले में देखें तो वो पिछड़ापन है अभी भी इस समाज में। मोदी जी ने सफाई कर्मचारियों के पैर धोए, हम उनके पूरा वाल्मीकि समाज आभारी है। एक पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने आके इनको देखा है, इनको सम्मान तो दिया। न्यास से पहले इतने प्रधानमंत्री है, किसने किसको पैर किसने धोए, इसलिए इस बात के लिए तो हम मोदी जी का सम्मान करते हैं। और जो धारा 370 जी के तहत, हाँ, उसमें 2,00,000 वाल्मीकि जो श्रीनगर में, जो कश्मीर में जो धारा हटाई है, इसमें 2,00,000 वाल्मीकि जो थे, ना उनको आधार कार्ड, ना पैन कार्ड, ना पढ़ाई का, उनको कुछ भी मान्यता नहीं थी, सिर्फ सफाई का ही काम। मोदी जी ने उनको भी निकाल के आज वो नौकरी पे भी लगे, कोई फौज में गया, कोई सफाई में, जो जिसका जैसा पढ़ाई थी और उनको पढ़ाने की भी वो पूरी, अब उनको नागरिकता भी। तो ये मोदी साहब ने कितना बड़ा काम करा, इसके लिए भी धन्यवाद है मोदी को। कि मोदी जी जब आप इतना देख रहे हो, इतना कर रहे हो, तो ये जो सफाई कर्मचारी ये क्यों मर रहा है। हम जब कांग्रेस सरकार थी, जब मैंने धरना प्रदर्शन, आपने मेरा कई बार इंटरव्यू भी लिया हुड्डा सरकार में, जी, तो इनकी लड़ाई लड़ी है मैंने वाल्मीकि समाज में और सफाई कर्मचारी की लड़ी है। तो मोदी साहब से, खट्टर साहब से हम ये प्रार्थना कर रहे हैं कि इतने साल हो गए इनको, अब तो कम से कम इनको पक्का कर दो। जिस षड्यंत्र के अंदर इनको फंसाया हुआ है, अब सुबह 6 बजे जो सफाई भाई, अफसर भी 10 बजे जाएगा, मंदिरों में घंटे बजते हैं, पूजा पाठ होती है, इतने तो हमारे लोग रोड पे सफाई कर देते हैं, जब भी तो वो चीज़ें बाद में होती हैं। और लोग अपने बच्चे की लैट्रिन से भी घिन्ना करते हैं, पोटी से भी, और ये दूसरे की लैट्रिन साफ करते हैं, तो ये कैसे लोग होंगे, मेहनत करते हैं, मेहनत करके खाने वाले लोग हैं। तो सरकार को इन पर ध्यान देना चाहिए, और वोट ये देते हैं रीढ़ की हड्डी बताते हैं भाई, तो फिर इनको ध्यान देना चाहिए। और इनकी क्या है, मेहनत का पैसा मिल जाए और मेहनत जो करी है उसको पता ही नहीं होगा भाई, जो पढ़ेगा उसी को। अब इनके पास अब तो चलो साधन है, सब भगवान की कृपा है, एक समय में तो खाने की, और आज भी इनको फिर वही ठेकेदारी में करके फिर वही गुलाम बनाने वाली स्थिति बनाई जा रही है कि भाई या तो आप समय आने पर रिक्शा चलाओगे या फिर सफाई का काम। सवाल भी मेरा अगला वही है कि आप देख रहे हैं कि इस देश में प्राइवेटाइजेशन का दौर चल रहा है, लगातार सारी चीज़ें प्राइवेट होती जा रही हैं। रिजर्वेशन था तो वो सरकारी नौकरियों में था, अब जितनी भी नौकरियाँ हैं उसमें सारा का सारा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो जिन जातियों ने रिजर्वेशन ले लिया उन जातियों पर तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वाल्मीकि कम्युनिटी को अभी कुछ सीखी है पिछले, अगर हम देखें 10-15 सालों में, उसे रिजर्वेशन के बारे में वो जागरूक हुआ, वो शिक्षा के बारे में जागरूक हुआ, अब नई पीढ़ी पढ़ लिख कर ऊपर आ रही है। देश में सब कुछ प्राइवेट होता जा रहा है, तमाम स्कूल हैं वो प्राइवेट हो गए हैं, एजुकेशन का भी प्राइवेटाइजेशन होता जा रहा है। तो आने वाले भविष्य में वाल्मीकि कम्युनिटी किस तरीके से इस देश में खड़ी होगी, क्योंकि अब जो सबसे बड़ी मार जो है वाल्मीकि कम्युनिटी पे ही पड़ने वाली है, क्योंकि वो अब जाग चुकी है, जब उसका वक्त आया कुछ लेने का तो अब तो वो
हाशिए पे है इस समय, तमाम चीज़ें सारी खत्म होती जा रही हैं, तो फिर कैसे इस जाति का उद्धार होगा या कैसे ये खड़ी होगी? उद्धार भाईचारा समरसता है जी, समरसता 36 बिरादरी का भाईचारा है और 36 बिरादरी कभी भी एक गांव से भी एक जाति का कोई मेंबर भी नहीं बना पाएगा कभी आपको, सब मिलके ही मेंबर सरपंच प्रधान बनाया जाता है, तो सबको मिलके ही इनका साथ देना पड़ेगा जब ही ये उठेंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल। नहीं, सामाजिक तौर पे तो सारे लोग साथ दे रहे हैं, हमारे साथ तो समझता है, सबके साथ है, हम 36 बिरादरी के और 36 बिरादरी से हमारा भाईचारा प्यार पर है। लेकिन जो सरकार लगातार प्राइवेटाइजेशन कर रही है उसके खिलाफ भी तो आप लोगों को कुछ मूवमेंट चलाना होगा ना? ये मूवमेंट हमारी मीटिंग होती है, अब ये चीजें सारी जी और बाकी तो रही है कि सरकार हमारे पे ध्यान देगी तो हम सरकार का ध्यान देंगे और देते आ रहे हैं, और सरकार ध्यान नहीं देगी तो फिर। इस जाति के लोगों ने 4 बार मुख्यमंत्री बना दिया उत्तर प्रदेश का। मैं किसी विशेष व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ना मैं पार्टी का नाम लेना चाहता हूँ, क्योंकि एक जो बीज बोया था, मैं उनका नाम लेना, दीनावाना जी, दीनावाना वाल्मीकि जी ने काशीराम जी के माइंड में मिशन मूवमेंट दिया, और वो मिशन मूवमेंट इतना बड़ा कि एक पार्टी का निर्माण हुआ, और जब वो पार्टी सत्ता में आती है तो वाल्मीकि कम्युनिटी का एक भी शख्स जो है वो राज्यसभा सांसद नहीं जाता है और ना ही उनको विधायक की टिकट मिलती है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे? इनका बेनिफिट तो आप जिनका कह रहे हैं वो ही लेते आए हैं और आगे भी यही ले रहे हैं। भाई मायावती थी तो आप जो बोल रहे हो मैं बता देता हूँ ना, मायावती 4 बार बनाई है यूपी से, तो सबने मिल के बनाई ना, खाली दलित समाज ने तो नहीं बनाया, बनाया तो सबने ही है, खाली कहते भाई हमारे अम्बेडकरवादी चमार भाई उन्होंने बना दिया या वाल्मीकि से, नहीं सबने बनाया, उसमें ठाकुर भी बनिए भी पंजाबी भी जाट भी सब वोट देते जब कोई सीएम जाके बनता है। मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था कि एक गांव से एक मेंबर भी नहीं बन सकता, अगर आप सबको इकट्ठा करके चलोगे तो मेंबर भी बनेगा सरपंच भी बनेगा, एक जाति से तो मैं सुल्तान वाली हूँ, पूरे हरियाणा का समाज का प्रधान हूँ, तो मैं एक जाति से तो नहीं बनूंगा ना, सब बनाएंगे तभी तो। हाँ, अपनी कमेटी का प्रधान आप एक जाति से बना सकते हो, लेकिन समरसता से ही आप विधायक एमएलए मंत्री एमपी जब बना सकते हैं। अब योगी जी ये सबका साथ सबका विकास, जो योगी जी काम कर रहे हैं पूरे देश में सलूट है उनको, वाल्मीकि सलाम, वाल्मीकि समाज पूरा हम तो सलूट करते हैं जी। और हम बाबा को मानने वाले लोग हैं, धर्म को मानने वाले लोग हैं और असली हिंदू हम ही हैं जी। सवाल मेरा था आपसे, सवाल यही था कि ये कमेटी जो है 4 बार मुख्यमंत्री बना देती है लेकिन राज्यसभा और विधायक तक नहीं है। अब ये बात तो हम मोदी तक पहुंचाएंगे जी, बाकी हमारी बात है मीटिंग नहीं, बीजेपी गवर्नमेंट ने तो दिया है सांसद, अभी मध्य प्रदेश से दिया है एक राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि एमपी, अभी राज्यसभा मेंबर बनाई है, हाँ अभी बनाई है, तो इनका हम धन्यवाद करते हैं। देखो समाज को कुछ ना कुछ देंगे तो समाज भी इनको कुछ अर्पित करेगा ही करेगा, वही समाज में अगर जैसे अभी ये लोग हैं दूसरे जो हैं, अगर ये भी इनको बनाएंगे बढ़ाएंगे आगे बढ़ेंगे जब ही तो समाज आगे बढ़ेगा, साथ लेके चलेंगे जब ही तो बढ़ेगा। अब आप बन के बैठे हो और हम समाज में आपके पीछे पीछे रहे तो ऐसा आगे तो चलो चल लिया जो जब तक चलना था थोड़ी चलेगा, क्योंकि देखो 12 साल कूड़ी के भी भाग जाते, कुछ तो बुद्धि समझ में आती है नहीं आती, फिर हमारा काम ही प्रचार करना है समझाना है लोगों को, हमारा काम भी तो यही है ना भाई समझाना लोगों को, तो जब ये हमें हम कह रहे हैं हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमारा सिर्फ हक दे दो जो हमारा है, इतिहास भी तो आपका है, इतिहास तो छुपाया गया, तो वही चीज करें, हमें किसी का कुछ नहीं चाहिए, जो हमारा है हमें वही दे दो यार, इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत का फल दे दो बस, और क्या मांग रहे हैं भाई, दो वक्त की रोटी की तो लड़ाई है सारी, वो मेहनत कर रहे हैं तो उनको रोटी के यही तो मेहनत कर रहे हैं, तो वो भी नहीं मिलेगी तो दिक्कत तो होनी है ना। तो अगर हक अधिकार नहीं मिलते क्या करेगी वाल्मीकि? पूरे प्रदेश में आपको पता है फिर कमेंट्री के बारे में, दिल्ली हरियाणा सब जगह धरने प्रदर्शन ये सब करा देंगे हम, कोई बात थोड़ी, इलेक्शन का भी समय आ रहा, अगर ये ऐसी ठेकेदारी पड़ताल ये करते रहे तो फिर हम अपने लोगों को जागरूक करके कुछ तो करेंगे अपने हक के लिए, वो लड़ना भी पड़ता मरना भी पड़ता, जब जाके हक मिलता है ऐसे तो कोई हक देता नहीं। तो सुल्तान वाल्मीकि जी मेरे साथ थे, वाल्मीकि कमेटी एक ऐसी कमेटी जिसका अपना इतिहास है, लेकिन इतिहासकार जब इतिहास छुपाने लगे तो ऐसी कमेटी का इतिहास छुप जाता है। मैं आपको बता दूं आज़ादी की जो पहली लड़ाई हुई थी 1857 में, उस लड़ाई का सूत्रधार जो है वो मंगल पांडे को बताया जाता है, लेकिन इतिहास ये है कि उस लड़ाई का जो सूत्रधार थे वो माता दीन भंगी थे,